नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर और सीधा रुख करेंगे इस बड़ी खबर का। पटियाला में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की आवाज के बाहर ईटीटी और टीईटी पास बेरोजगार नौजवान धरना देने के लिए पहुंचे थे। वहीं पुलिस की तरफ से उन पर हल्का लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटियाला से ये खबर, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज पुलिस की ओर से किया गया। दरअसल ईटीटी और टीईटी पास ये वो तमाम टीचर्स हैं जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठा रहे हैं। संवाददाता बलिंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। बलिंदर, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है पुलिस की ओर से, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि ईटीटी टेट पास बेरोजगार जो अध्यापक हैं, ये लगातार नौकरी की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन पटियाला में करते आ रहे हैं। पहले भी किए थे लेकिन प्रशासन की ओर से इनको एक मीटिंग के लिए, पैनल मीटिंग के लिए भेजा जाता चंडीगढ़। मीटिंग में कुछ नहीं निकलता सामने, फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ये बेरोजगार अध्यापक, जिसके चलते आज अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने पहले इनको समझाया लेकिन ये कहते हैं कि हर बार ऐसा ही होता है, हम लोग पिछले लंबे समय से जो है अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो जिसके चलते जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे उनके चोट भी जो है, बहुत सारे जो अध्यापक हैं उनके पैरों पर चोट लगी है, यहाँ तक के जो महिलाएं हैं टीचर थी, अध्यापक थी, उनको भी जो है लाठी चार्ज किया गया। बाद में पुलिस कहती है कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया, ये तो हम लोग उनको थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए पीछे धकेल रहे थे। तो देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कहीं ना कहीं इनमें अब पूरी तरह से रोष है कि आखिरकार हमारे साथ इस तरह सा बर्ताव क्यों किया जाता है। जब हम लोग अपनी नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पर आते हैं तो पुलिस आगे खड़ी हो जाती है और हमें आगे बात करने नहीं देती। सो आज की जो तस्वीरें है काफी बेहद चिंताजनक की तस्वीरें और दुखदायी तस्वीरें हैं ज्योति। जैसे इन्होंने पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया गया है, काफी इनमें रोष है और कह रहे हैं कि डंडे बिल्कुल बलिंदर, क्योंकि सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे तमाम प्रदर्शनकारी और लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का किसी चीज को लेकर, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अपने आप में ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी नेता की भी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पुलिस अधिकारी से हम लोगों ने बात की कि आखिर जमहूरियत हक होता है प्रदर्शन करने का, कैसे इन पर लाठीचार्ज किया गया। देखिए, पुलिस साफ साफ बच रही है, कहते हैं हमने लाठीचार्ज नहीं किया भाई, हमने तो इनको थोड़ा सा जो माहौल को शांत करने के लिए इनको थोड़ा सा पीछे धकेलना चाहा, जिसके वजह से ये हुआ, फिलहाल बात चल रही है। देखिए, कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा ही होता है कि जो तस्वीरें दुखदायी तस्वीरें सामने आती है कि पुलिस को या तो मजबूरी में पुलिस को करना पड़ता है या ऐसे पुलिस अब ये पूरी तरह के पूरी ये एक्टिव हो चुकी है कि अब आगे नहीं जाना जाएगा अमरिंदर सिंह के घर की तरफ। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल प्रशासनिक तौर से पुलिस की ओर से तो कहा जाता है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन अभी देखिए कोई ना कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी कुछ देर बाद जरूर जो है विरोधी या अकाली दल की ओर से जरूर प्रतिक्रिया आएगी। कैसे, जहां एक तरफ तो पंजाब सरकार कहती है कि किसानों पर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ वो बेहद बेहद घुटना है, जब अपनी बात आती है तो कैसे इन पर लाठीचार्ज किया जाए। बलिंदर, फिलहाल अगर इन प्रदर्शनकारियों की मांगों की अगर बात कर ली जाए तो क्या इनकी मांगे हैं, सरकार की ओर से क्यों अब तक सुनी नहीं जा रही और क्यों प्रदर्शनकारियों पर फिर उसके बाद लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये देखिए, इनकी यही मांग है कि जब हम लोग जो ईटीटी टेट पास हम लोग करते हैं, जो जितने कोर्स होते हैं हम लोग वो पूरा कोर्स पास करते हैं, यहाँ तक कि सरकार ने ईटीटी टेट पास के लिए एक और एग्जाम को जो है बीच में इंक्लूड कर दिया था, तो वो एग्जाम भी इन्होंने पास कर लिया था। अब ये इनका इल्जाम है कि बीएड वालों को ईटी टेट पास में अब वो जो है वो पोस्ट दी जा रही है। आखिर हमें क्यों नहीं पोस्ट दी जा रही, बीएड पास करने वालों को क्यों पोस्ट दी है? हालांकि 2000 के ऊपर जो पोस्ट जो है इन्होंने सरकार ने निकाली थी लेकिन 2000 संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 6000 के करीब बेरोजगार ईटी टेट पास जो है वो घूम रहे हैं कि 2000 से इनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो इन्होंने पोस्ट जो निकाली हुई थी उसमें बढ़ोतरी और दूसरी और पोस्ट जो है निकालने के लिए मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें जो आज आप बहुत शुक्रिया बलिंदर तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम कैप्टन की आवाज के बाहर ये धरना कर रहे थे ईटीटी और टीईटी पास नौजवान, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई।